मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। एक गुणा प्रयोज्य अपने अपने उनके वस्त्र पदार्थ के द्रव गुण पर्यायों को स्पष्ट करने में भाषा का ऐसा परिणमन स्वयं हो जाता है, ऐसी भाषा की सामर्थ्य, ये इसका सामान्य अर्थ हुआ था। अब इसके थोड़े विशेष अर्थ पर कई जगह गुरुदेव ने बहुत बढ़िया खुलासा किए हैं, उसकी बात यहाँ चलाते। यहाँ उन्होंने लिखा है कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि तो अनक्षरी है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को ही दिव्य ध्वनि कहा जाता है। अरहंत भगवान की समोसरण सभा में ये दिव्य ध्वनि भव्य जीवों के भाग्य से प्रतिदिन 3 बार 2-2 घड़ी खिरा करती है। यह वाणी बिना इच्छा के ही खिरती है, मन उन्हें कोई बोलने की इच्छा थोड़ी है कि हम इनको कुछ समझा दें, लेकिन ऐसा भव्य जीवों के भाग्य का निमित्त होता है और उनके वचन का योग होता है और वाणी के खिरने की योग्यता होती है, वैसा सब परिणमन का काल आ जाता है और सब निमित्त निमित्त संबंध सहज स्वयमेव बन जाते हैं। इसलिए वो दिव्य ध्वनि खिरती है बिना इच्छा के खिरती है। समंत्र भद्र आचार्य ने तो रत्नकरण साहब का आचार में लिखा कि वो दिव्य ध्वनि खिरती है तो कैसी खिरती है, तो उन्होंने मृदंग की उपमा दी है। मुरझा किम पेक्षते, शिल्पी ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरझा किम पेक्षते, कहते शिल्पी या कलाकार जब मृदंग में अपने हाथ मारता है तो मृदंग अपने आप मधुर ध्वनि करने लगता है, तो मृदंग जब मधुर ध्वनि करता है मृदंग को किस बात की अपेक्षा है कि मैं मधुर ध्वनि करूंगा तो इसके बदले में कोई हो या कोई प्रसन्न हो जाए या कोई हमारे ऊपर आकर्षित हो, ऐसी कोई उन्हें भावना ही नहीं, और वो मधुर ध्वनि करते ही तो वो सहज करता है। ऐसे दिव्य ध्वनि भी भव्य जीवों के भाग्य के निमित्त से सहज होती है, बिना राग के होती है। दुनिया वालों की बोली बिना राग के नहीं होती, राग हो तो ही बोलेगा है, बल्कि ऐसा रहता है जिससे राग नहीं होता उससे बोलता ही नहीं, ऐसा भी होता कि नहीं होता, राग नहीं है द्वेष है तो बोलता नहीं, राग है तो बोलेगा और ज्यादा राग है तो और ज्यादा पता लगाएगा। अपना कोई संबंधी कहीं दिख जाए तो उसकी कुशल क्षेम क्यों पूछता कि उससे राग है, इसलिए पूछता है, और अगर राग ना हो तो नहीं पूछता है। अब बीत रागी के जो दिव्य ध्वनि होती है वस्तु स्वरूप की तत्वों की, उस दिव्य ध्वनि में बीत रागी को कोई राग नहीं है, वचन का योग है, भव्य जीवों के भाग का उदय का निमित्त है और वाणी के खिरने की योग्यता है, इसलिए दिव्य ध्वनि सहज होती है, उसमें राग नहीं होता। क्योंकि इच्छा का तो सर्वथा जिनेन्द्र भगवान के अभाव है और छद्मस्त अल्प ज्ञानी मनुष्य देव की तरह आपकी वाणी क्रम वाली और क्रम क्रम से एक एक शब्द के रूप में मुंह से निकलने वाली नहीं होती। देखो अपन बोलते हैं तो क्रम से बोलते हैं, एक एक शब्द बोलते हैं, और जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि में कोई ओंठ नहीं हिलते, तालू नहीं हिलता बिल्कुल, और वाणी मेघ जैसी गर्जना होती है, ओंकार ध्वनि होती है, उस ओंकार ध्वनि में उनके शरीर से सर्वांश से वह ध्वनि खिरती है, उन्हें क्रम नहीं पड़ता उस ध्वनि में, वो ओम ऐसी ध्वनि निकली और सबके कर्ण गोचर होते ही साथ अपने अपनी भाषा में सबने समझ लिया ऐसा है, इसलिए वो क्रम क्रम से खिरने वाली नहीं होती। उसमें चाहे जो प्रश्न करे और भगवान उसका उत्तर दें, समोसरण में ऐसा नहीं होता। देखो क्या कह रहे, अन्न में ऐसा मानते हैं, श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं कि जब दिव्य ध्वनि खिरती है सो वो बीच ही में देखो जो शंका होती है सो भगवान से पूछते हैं और फिर वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत शंका का समाधान करते। यहाँ कहते कि चाहे जो प्रश्न करे तो भगवान उसका उत्तर दे, समोसरण में ऐसा नहीं होता।
साधारण मनुष्य स्त्रियां भगवान से सीधे प्रश्न नहीं करते, लोक में भी साधारण जनसभा में राजा से सीधे प्रश्न नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर आया और बहरी सभा है और सभा में से कोई बोल उठे, सीधा प्रश्न प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न करे संभव नहीं, नहीं तो वह अनुशासन बिगड़ सकता है ना, इसलिए लोक में सीधे प्रश्न नहीं कर सकता। फिर साक्षात परमात्मा से साधारण पुण्यहीन स्त्री पुरुष प्रश्न कैसे कर सकते हैं, माने नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं कि जिनेंद्र भगवान आपकी वाणी तो इष्ट है, किंतु अज्ञानी मिथ्यात्वी जीवों को वो इष्ट नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। पंचम काल के साधक मुनिगण भी स्वर्ग जाएंगे, इस क्षेत्र काल से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि उनके अभी राग विद्यमान रहता है। पंचम काल के मुनिराज कोई शुक्ल ध्यान में नहीं जा पाते और शुक्ल ध्यान बिना सर्व राग का अभाव नहीं होता, इसलिए राग की कणिका जहां विराजमान होगी तो राग का फल स्वर्ग होगा, बीतरागता का फल मोक्ष होता है। वर्तमान में स्वर्ग और अल्पकाल में मोक्ष में जाने वालों को ही आपकी वाणी इष्ट लगती है। देखो क्या कह रहे, जिन वाणी किनको प्रिय लगेगी, कि जिनके वर्तमान में आगामी पर्याय में स्वर्ग जाना हो और उसके बाद अल्पकाल में मोक्ष जाना हो, उन्हें जिन वाणी पसंद होगी, और जिन्हें आगामी पर्याय में दुर्गति जाना हो उसके बाद निगोद जाना हो, उसे जिन वाणी पसंद नहीं हो, जिन वाणी का निषेध करेगा। कभी भी जिन वाणी का आपने देखा होगा, निषेध करने वाले जिन वाणी सबके हृदय में पहुंच जाए, वो हर एक आदमी मिथ्यात्व का अभाव कर दे, अज्ञान अंधकार दूर कर दे, ऐसा प्रयास ही नहीं होता। ये प्रयास चलता है कि किसी प्रकार सावधान होकर ज्ञानी ना बने, बस हम जो कह रहे वो करता रहे। ये जो प्रयास है ये अज्ञान में डूबे रहने का और सारी दुनिया को अज्ञान में डुबाने का प्रयास, इससे आत्मा का हित होने वाला नहीं। आत्मा का हित होगा ज्ञान प्रकाश से, और वो ज्ञान प्रकाश जिन वाणी के अनुसार सबके हृदय में फैल जाए। घर घर में बोलना तो ठीक है, घर घर में नहीं, घट घट में फैल जाए, घट घट माने हृदय में फैल जाए, तो हर एक का अपना अपना मिथ्यात्व अंधकार नष्ट हो जाए, तो उस मिथ्यात्व अंधकार के नष्ट होने पर उसे स्वर्ग का भी मार्ग मिल जाएगा और आगे चलकर वीतरागता धारण करके मोक्ष को भी वो पा सकेगा। यहां कहते हैं वीतराग की वाणी, वीतराग स्वभाव, वीतराग दृष्टि पूर्वक पुण्य का भी यथार्थ स्वरूप बतलाने वाली है, किंतु अन्य किसी की वाणी वास्तविक स्वरूप नहीं बतलाती। बालक वृद्ध पशु पक्षी देव आदि सब उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते, क्योंकि वह सर्वभाषामय होती। वाणी का सर्वभाषामय होना पुण्य के अचिंत योग का परिणाम है। एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जब तक बच्चे भाषा नहीं बोलते, 6 माह तक के समझिए कुछ भी नहीं बोलते, तब तक उनकी उनके रोने के भाव को हर भाषा वाले समझ लेंगे कि नहीं, हैं? हंसने के भाव को सब भाषा वाले समझ जाएंगे कि नहीं, कौन सी भाषा में समझे कि ये हंस रहा है, कौन सी भाषा में समझे कि रो रहा है बालक, 6 माह का बालक रोने लगा, तो सब समझ जाएंगे ना, मलयालम भाषा वाला और हिंदी भाषा वाला और मराठी वाला और गुजराती वाला, और वो बालक किस भाषा में रोया बोलो, हैं? भाषा किस भाषा में बालक रोते हैं और किस भाषा में हंसते हैं, वो भाषा निरक्षरी होती है उनके रोने की और हंसने की, और सब समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते। ऐसे जिनेंद्र भगवान की भाषा तो निरक्षरी फिरती है वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाली, लेकिन सब समझ जाते हैं कि जो बात है। हमने ऐसा एक भाषा, जब वाद विवाद चला, भाषा का बहुत विवाद चला था, भाषा के आधार पर प्रदेशों की रचना हुई, तो उसमें एक किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा था कि भाई देखो ये भाषा का विवाद तो निश्चित बढ़ता चला जाएगा, अगर अपन ये भाषा तुम्हारे से भाषावाद की बात छोड़ के प्रेम की भाषा में बात करें आयसन में, तो सब विवाद मिट जाएगा। अब प्रेम की भाषा ऐसी होती है कि पशु भी प्रेम की भाषा करते हैं, पशु भी करते हैं ना, तो माँ को बच्चे से प्रेम हो कौन सी भाषा में बोलेगी, कोई भाषा बोलने की जरूरत नहीं है,
भाव भर व्यक्त करते हैं, समझ में आएगा नहीं। यहाँ जिनेंद्र की जो भाषा है वो सर्व भाषा में होती है और उसका सहज ही ऐसा परिणमन होता है। वाणी का सर्व भाषा में होना ये पुण्य के अचिंत योग का परिणाम है। तीर्थंकर की वाणी सब भाषा रूप हो जाती है, जो जीव उसे समझे वो यही समझता है कि भगवान मेरी भाषा में बोल रहे। देखो जरा ऐसा आप और देख लेने जरा, जैसे यहाँ चित्र लगा है, ये गुरुदेव का चित्र लगा है। अब आप ये देखिए कि ये किसको देख रहे हैं, जरा आप ध्यान से देख लेने जरा, तो सब ऐसा विचार करेंगे कि ये मुझे देख रहे हैं। सब बिल्कुल जितने जन यहाँ बैठे होंगे वे सबकी तरफ देख रहे हैं, और आप जब उनको देखोगे यही लगेगा ये मुझे देख रहे हैं। ये भी एक विचित्र बात है, वो मूर्ति तो कोई को, फोटो तो कोई को दिख ही नहीं रही, लेकिन फोटो को देख के आपको लग रहा है कि ये हमको ही देख रहा है, समझ में आया कि नहीं। एक और आपको बात बताते हैं कि चंद्रमा होता है, चंद्रमा तो चंद्रमा रात्रि में उगा है और हजारों किलोमीटर दूर लोग खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो चंद्रमा किसके ऊपर है, है? सबके ऊपर है, लेकिन लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि चंद्रमा बिल्कुल हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ एक महानता का प्रभाव होता है। तो ये जो दिव्य ध्वनि होती है वो बोलते तो है निरक्षरी भाषा में और सबको ऐसा लगता है कि वे हमारी भाषा में बोल रहे। देखो लिखा यहां कि भगवान जीव, जो जीव उसे समझे वो यही समझता है कि भगवान मेरी भाषा में बोल रहे। यह जीव की योग्यता है, पुण्योदय उसमें निमित्त है। आचार्य देव दिव्य ध्वनि के इस वर्णन द्वारा वीतराग भाव का कथन करते हैं कि हे स्वामी, आपकी वाणी मोक्ष मार्ग बतलाती है, सब जीवों को हित का मार्ग बताने में समर्थ है। आपकी वाणी सर्व भाषामय बन जाती है, उससे आर्य अपनी आर्य भाषा में और अनार्य भाषा में आपका उपदेश समझ जाते हैं। भगवान के जीव, होंठ, कंठ, तालु आदि हिले बिना सर्वांग से वाणी प्रकट होती है। वाणी तो निरक्षरी ही प्रकट होती है, किंतु श्रोताओं को वह साक्षरी सुनाई पड़ती है। उनकी ओंकार ध्वनि सुनकर गणधर विचारते हैं और उनकी वाणी को ओंकार की उपमा अखंड एकाक्षर बताने के लिए दी गई है। ओंकार ध्वनि क्यों कही गई, कि ओम शब्द में कोई अन्य अक्षर नहीं होते, ओम एक उच्चारण और ध्वनि मात्र है वास्तव में देखा जाए, और उस ओम ध्वनि में कुछ भी ना हिले, सीधी आवाज बन निकले तो ओम ध्वनि हो जाती है। इसलिए निरक्षरी बताने के लिए और अखंड वाणी होती है, उसमें खंड माने अपनी वाणी में क्रम होता है, और जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि में क्रम नहीं होता। ओम इतना निकल गया, सात ही तत्वों का निरूपण आ गया उसमें, सहज में वो जो ओम शब्द निकला उसमें सात तत्व का निरूपण हो गया। अब वो वाणी अपने आप जिन जिन के कर्ण गोचर होगी वे भले उसको क्रम से समझे और क्रम से सुने, लेकिन वो वाणी उनके ख्याल में जो आएगी वो भले क्रम से आए पर निकली जो है वो अक्रम से निकली। आगे बताते हैं कि गोमट सार में तो ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की अखंड निरक्षरी वाणी निकलती है, किंतु श्रोता अपनी योग्यता के अनुसार उसे अपनी भाषा में समझ लेता है। इस प्रकार उक्त आठ श्लोकों में भगवान के आठ प्रातिहारियों का वर्णन किया। ये आठ श्लोक में आठ प्रातिहारी आ गए। ये उनकी बाह्य रिद्धियां हैं जो उनकी आंतरिक पवित्रता की प्रतीक हैं। अब आगामी श्लोकों में भगवान के अतिशयों का वर्णन किया जाता है। भगवान पृथ्वी पर विहार नहीं करते, वे साधारण जीवों की तरह पृथ्वी शिला पर नहीं बैठते, और ये श्वेतांबर मत में सम्मान है कि वे पांव से जमीन पर चलते हैं, शिला पर विराजमान हो जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, भूख लगती तो खाना खा लेते हैं, ऐसा निहार के लिए जाते हैं, आहार करते हैं, निहार को जाते हैं, उन सब का निराकरण इसमें आया है। अब 36 नंबर का काव्य पढ़ते हैं, देखिए बराबर ये भी है। वे 44 काव्य माना करते हैं, उनमें चार उन्होंने कोई ऐसे प्रातिहारी जिनसे दिगंबरत्व का पोषण होता है वे उन्होंने नहीं माने। हालांकि अभी जो चल रहे हैं उनके भी 48 ही चल रहे हैं। अब काव्य नंबर 36 में
वे कैसे विहार करते हैं इस बात की चर्चा आती है और उसमें महिमा क्या होती है। 36 नंबर का उन्नेत्र पंकज पुण्य कांति पर नख मयूक शिखा विराम पाद पदानी तव यात जिनेन्द्रधाता पद्मानी तात्र विबुधा परिकल्पयन्ति। देखो इसके शब्दों पे गौर करना, एकदम भाव समझ में आएगा। उन निद्र, पहला शब्द क्या लिया है, उन निद्र का अर्थ समझते क्या होता, निद्र माने निद्रा नींद, और नींद से कोई जाग जाए तो एकदम सचेत हो जाता ना नींद से जागते साथ। पक्षियों की नींद खुले तो चहकने लगते हैं, खुशी छा जाती है, नींद खुलना खुशी छाने का प्रतीक माना गया है, तो पक्षी तो नाचने लगते जो नींद उनकी खुलती है। तो उन निद्र का अर्थ होता है प्रफुल्लित होना, कमलों की नींद खुलती है तब ये खिल जाते हैं, समझ में कि नहीं, तो उसको कहते हैं उन्निद्र माने खिलना, और हेम माने होता है सोने के समान, जैसे नव माने बिल्कुल नए, जैसे पंखुड़ी में से कमल खिले तो वो नया कहलाएगा, है ना। उन्निद्र हेम नव पंकज, पंकज माने कमल, पुण्य कांति उनकी जो पंकज माने कमलों के जो समूह है उनकी जो कांति है वो कांति कैसी लगती है कि परयुल्लसन नख मयूख शिखा भी रामो, वो जिनेंद्र भगवान के नाखूनों से भी कांति निकलती है, वो कांति निकलने से दे जो खिले हुए कमलों जैसी कांति उन कमलों की है उनमें और शोभा बढ़ जाती है। परयुल माने उसको चारों तरफ से बढ़ा देती है, उनके नख की मयूख माने किरणों की शिखा जो निकलती है उससे उन कमलों की कहना चाहिए आभा बढ़ जाती है, और अत्यंत अभिराम माने सुंदर दिखाई देने लगती है। ऐसे चरण जब जिनेंद्र भगवान रखते हैं, पादौ पदानि तव यत्र जिनेंद्र धत्ता, ऐसी सुंदरता को बिखेरने वाली वे चरण दोनों युगल जिनेंद्र भगवान जहां पग रखते हैं, कदम रखते हैं, वहां क्या होता है, पद्मानी तत्र, जहां वे पैर रखते हैं वहां पर पद्मानी माने कमलों को, विबुधा माने देवतागण, परिकल्पयंती माने रच देते, 15 कमलों की रचना करते हैं युग पर, 15-15 कमल रचते चले जाते, 7 आगे 7 पीछे 1 उनके पैरों के नीचे, ऐसे कमलों की रचना होती है देवों के द्वारा, वो सहज होती है। और गजब की बात है कि जिनेंद्र भगवान कमल को छूते नहीं, और वे कमल उनके नीचे रचते चले जाते हैं, वे उसे स्पर्श करते नहीं। और एक बात और बता दी, जिनेंद्र भगवान के पैर अपने जैसे नहीं चलते, जैसे अपन चले तो पहले बायां पैर आगे जाए तो फिर दायां जाए फिर बायां जाए फिर दायां जाए, जिनेंद्र कभी भी ऐसे क्रम से गमन नहीं करते। तो कैसे गमन करते हैं, पक्षी उड़ रहे हो तो उनके पैर कैसे रहते हैं, स्थिर रहते ना दोनों बिल्कुल एक से, तो जब भी जाते हैं गमन करते हैं तो बिल्कुल जैसे कोई खड़ा है ना और लिफ्ट पे खड़ा हो, समझो लिफ्ट पे खड़ा हो और लिफ्ट सीधी जा रही हो तो क्या करेंगे, पांव चलाएंगे तो सीधे रहे आएंगे, वो ऐसे ही गमन उनका होता है, वो आगे पीछे कदम नहीं होता, ऐसे ही चलते, वो तो ऐसे ही गमन होता है, उनमें कदम नहीं आगे पीछे रखे जाते। और आए श्वेतांबर मत में मानते कि हाँ कदम आगे पीछे रखते हैं, जबकि कदम में भी क्रम नहीं, हर चीज उनकी अखंड और अक्रम हो जाती है, ऐसा नहीं, उनकी ध्वनि अक्रम और अखंड होती है, उनका गमन भी अक्रम होता है, उनका भाव भी जो उसमें दर्शाते हैं वो भी अखंड स्वभाव को दर्शाने वाला होता है, सब अखंडता आ जाती है हर चीज में। तो यहां लिखा कि पद्मानी तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, देवतागण उनके पैरों के नीचे कमलों की रचना करते जाते हैं। इसके विशेषता में स्पष्ट यहां विवेचन दिया है कि श्री मानतुंग आचार्य अपने स्तोत्र में वीतरागी परमात्मा की स्तुति करते हैं कि जिनेंद्र देव आप तो अंतरिक्ष में अधर ही विहार करते हैं। श्वेतांबर शास्त्रों में कहा गया है
कि तीर्थंकर जमीन पर चलते हैं, वे वनपाल से आज्ञा लेते हैं, फिर गमन करते हैं। देखो जरा, यानी स्वामी जी को ये धर्म पटा क्यों नहीं उस कुल में जन्मे भगवान जैसी मान्यता उत्कृष्ट पद आचार्य का, और वो धर्म नहीं पटा बिल्कुल, कि इसमें एक भी बात तर्क सम्मत अनुभव गम्य नहीं थी, इसलिए उन्हें पटा नहीं। ये धर्म सांचा है ही, दिगंबर धर्म के सिवाय जगत में धर्म सांचा कहीं है, ऐसा उन्होंने घोषणा की। तो किंतु यह कथन यथार्थ नहीं। लोग, कुछ लोग पुण्य की अनुकूलता पाने के लिए भक्तांबर का पाठ करते। देखो यार, बड़ी महत्व की बात है, काय के लिए भक्तांबर का पाठ करना है? संकट आ जाए तो टालने के लिए। पहले ये बताओ, संकट काय से आता है? पाप के उदय से आता है। तो संकट टलता काय से है? कि पुण्य के उदय में टलता है। अब ये पता लगाओ कि पाप का बंध काय से होता है, पुण्य का बंध काय से होता है। जब विषयों की और लौकिक कामनाओं की अभिलाषा पूर्वक भक्ति की जाती है तो पाप बंध होता है, और निर्वांचक होकर के धर्म की प्रभावना और आत्मिक गुणों की प्रभावना के लिए भक्ति की जाती है तो पुण्य बंध होता है, और आत्मिक गुणों में निर्विकल्प मग्न हो जाता है तो धर्म होता है। तो अब बताइए, भक्तांबर में जो हमने पाठ किया और ये भावना रखी कि हमारा ये काम बन जाए, ये काम अनुकूलता आ जाए, ये उपद्रव टल जाए, तो अभिलाषा जो अपनी रही वो किस बात की अभिलाषा रही? अभिलाषा इस बात की रही कि लौकिक कार्य सध जाए। क्या अभिलाषा रही? लौकिक कार्य सध जाए। तो अभिप्राय में कौन सा भाव रहा? लौकिक रहा, और लौकिक भाव जब अभिप्राय में बसा हो तो पुण्य बंध नहीं होता। समझ आया कि नहीं? क्या बंद होता है? पाप बंद। इसलिए ठीक नहीं, स्तुति करने से ताले टूटे थे, ये तो निमित्त का कथन है। पुण्य का उदय हो तो ऐसा बनाओ भी बने, अन्यथा नहीं बने। हे जिनेंद्र, आपके चरण खिले हुए कमल एवं स्वर्ण जैसे वर्ण के हैं। भगवान आदिनाथ का शरीर भी स्वर्ण वर्ण का था, स्वर्ण वर्ण जैसा था। भगवान के साथी से पुण्य के फल का पूर्ण वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। भगवान जमीन से 500 धनुष ऊंचे आकाश में गमन करते हैं, 5000 धनुष, और समोसरण में भी इतने ही ऊंचे रहते हैं विराजमान, 5000 धनुष ऊंचे विराजमान रहते हैं। हाँ, तीर्थंकर देव केवली सर्वज्ञ होने के बाद कभी भी जमीन पर नहीं चलते, सर्वज्ञ जमीन पर नहीं चलते। जो ऐसा नहीं मानते उन्हें पवित्रता की और प्रभुता, पवित्रता की प्रभुता एवं पुण्य की उत्कृष्टता का ज्ञान नहीं। भगवान के नाखूनों की कांति सूर्य के समान सुशोभित होती है, और उसकी तुलना में इंद्र का आसन की कांति भी नगण्य है। हे नाथ, जहां जहां आपके चरण रखे जाते हैं वहां वहां देव सुंदरतम कमल रचना रचते जाते हैं। यह सब आपके पुण्य प्रताप से होता है, ऐसा स्वर्ण कमलों पर ही आपका विहार होता है। आपका विहार माने अधर में आप विहार करते हो, उन स्वर्ण के कमलों पे पैर नहीं रखते। ये भी गजब बात है, लोग पूछते हैं कि जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी हैं, अब वीतरागी जिनेंद्र भगवान को बाहर से राग के प्रतीक क्यों जुटाए जाते हैं? तो वे कहते राग के प्रतीक का जुटना पुण्य के उदय का कार्य है। समायक नहीं, लेकिन संबंधित वीतरागी को उन राग की चीजों से कुछ लेना देना नहीं। समाया? अब लोग आए चमर ढो रहे, ढोरो, उन्हें नहीं ढो रहे तो कोई फर्क नहीं आता, ढोरो तो कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वीतरागियों के राग ही नहीं है। राग जिनके होता है उनके सब फर्क पड़ जाता है। ढोरो तो प्रसन्न हो जाते हैं, और नहीं ढोरो तो नाराज हो जाते हैं। अब वीतरागियों को तो कुछ उससे लेना देना है नहीं। ऐसे जो देवता उनके पुण्य के उदय के प्रभाव से ऐसे कार्य करते हैं, अनोखे के कमलों की रचना करते हैं, ऐसे में समोसरण की रचना करते हैं, लेकिन जिनेंद्र को उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे बिल्कुल 5000 धनुष ऊपर रहते हैं। जहां जहां आपके चरण रखे जाते हैं वहां देव स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। आप चरण रखते हैं उसके चारों ओर स्वर्ण कमल बन जाते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है।
तीर्थंकर मुनि दशा में जहां आहार लेने जाते हैं तीर्थंकर, वहां रत्नों की वृष्टि होती, पंच आश्चर्य होते हैं, हैं? कहते हैं उनके आत्मा में ऐसी शक्ति प्रकट होती है, मुनि अवस्था में भी रत्न वृष्टि होती है। जब केवल ज्ञान युक्त परमात्म दशा जिसे प्रकट हुई हो, उनके पुण्य का उदय कैसा होता होगा, ये गजब बात है। जिसे अपन ये कल्पना करो कि जिनके घरों में पैर पहुंचने के, पैर पूछना मखमली हो और एक दो दो हजार पांच पांच हजार के पैर पूछना हो, तो उनके पहनने के आभूषण कैसे हो, अनुमान लग जाएगा कि नहीं? जब पैर पूछना ऐसे हैं तो पहनने के आभूषण कैसे होंगे, उनका वैभव कैसा होगा, अपने आप ख्याल में आ जाता है, सही ना? तो जिनके पुण्य के उदय की पवित्रता उत्कृष्टता इतनी हो, उनके अंदर की आत्मा की पवित्रता कैसी होगी, सही ना? वो महिमा पुण्य के उदय की नहीं बता रहे, वो किसकी बता रहे महिमा, उनके अंदर आत्मा के गुणों की पवित्रता की महिमा बताने को बाहर के पवित्रता की बात कर रहे, सही ना? अभी अपन भी ऐसे ही तो करते हैं, जैसे अपन पवित्रता की बात करते कि नहा के मंदिर जाओ, कुल्ला करके मंदिर जाओ, तो कुल्ला करने से मुंह पवित्र हुआ कि परिणाम पवित्र हुआ, बोलो हैं? मुंह कभी पवित्र नहीं होता, करोड़ कुल्ला करना तो भी मुंह अपवित्र था, अपवित्र है और अपवित्र रहेगा, क्या कह रहे? लेकिन वो संस्कार जो किया, कुल्ला करने का संस्कार किया, तो भावों में निर्मलता आ गई कि अब हम झूठे नहीं रहे, तो इतना भाव पवित्र हो गया। अगर मान लो कुल्ला करने के बाद भी मुंह में उंगली डालो तो उंगली कैसी हो जाएगी, आएगी नहीं? तो इससे पता लगता है कि मुंह तो कभी पवित्र होता नहीं, शरीर भी कभी भी स्नान से पवित्र होता नहीं, लेकिन स्नान कर लेने से जो एक गिलानी का परिणाम था वो निकल जाता है तो भाव पवित्र हो जाता है। इस तरह केवल ज्ञान युक्त परमात्मा की दशा प्रकट हुई है, उनके पुण्य उदय कैसा है उसका वर्णन शास्त्रों में आया है। जिसने पुण्य और पवित्रता का स्वरूप ही नहीं समझा है, उन्हें ये वस्तु समझ में नहीं आ सकती, उसे अखंडानंद प्रभु वीतराग का भान नहीं है। जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, उन तीर्थंकर के पुण्य की महिमा क्या करें, वो तो साथी से पुण्य के धारी होते हैं। इस तरह इसमें बहुत स्पष्ट खुलासा किया है और बताया है कि जिनेंद्र भगवान गमन करते हैं तो कैसा उनका वैभव होता है। अब अगला काव्य आता है, 37 नंबर का काव्य। इस काव्य में ये वर्णन करेंगे कि जैसी विभूति जिनेंद्र भगवान के पुण्य की होती है, तीन लोक में किसी की नहीं होती, चक्रवर्ती के भी वो विभूति नहीं होती जो जिनेंद्र भगवान की होती। देखिए 37 नंबर का काव्य। एतम यथा तव विभूति रघु जिनेन्द्र धर्मो प्रदेशन विधो न तथा परसे याद्रे प्रभादिन कृता प्रहतांधकारा ताद्रे कुतो ग्रह गणास विकास नोपी। देखो इत्थम माने इस प्रकार की, यथा माने जैसी, तव माने तुम्हारी, विभूति अभूत माने कही गई है, हे जिनेंद्र भगवान जैसी जिनागम में आपकी विभूति का वर्णन किया गया है, अथवा धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्मोप के धर्म का जो उपदेश है जिनवाणी में, उसमें आपकी विभूति का जैसा वर्णन आया है, तथा न परस्य, वैसी विभूति और दूसरे के किसी के होती नहीं। या और फिर दृष्टांत दिया, यादृक् प्रभा दिन कृता प्रहतांधकारा, जैसी प्रभा माने कांति, दिन कृता, दिन कृता माने दिनकर, दिनकर माने सूर्य, जैसे सूर्य में जो प्रभा दिखाई देती है, कांति झलकती है, और वो क्या करता है सूर्य, प्रहतांधकारा, जो अंधकार को भली भांति नष्ट कर देता है, आभा ग्रह गणस ताराओं के समूह में दिखाई देती है, कहां से आ जाएगी, करोड़ों तारे एक साथ खेलें
तो भी वे अंधकार को नाश करने में समर्थ नहीं है, और अकेला एक सूर्य उदित हो जाए तो जगत का अंधकार बच नहीं सकता। कहने का अर्थ यह है कि समाज में अगर एक सम्यक दृष्टि पैदा हो जाए तो जिन मार्ग टिका रहेगा, और करोड़ों चिल्लाने वाले रहे आए, जयकारा लगाने वाले रहे, लेकिन सिद्धांत के जानकार और अनुभवी ना हो तो उनसे जैन धर्म नहीं टिकने वाला है। ये कह रहे हैं, समझ में है कि नहीं है? एक गुरुदेव से देख लो ना, हजार वर्ष के लिए और आगे टिक गया अब धर्म है। अब ये ज्ञान का प्रकाश रुकने वाला नहीं, बढ़ता चला जाएगा। वे चले गए लेकिन उनका प्रकाश जाने वाला नहीं, वो फैलते ही रहने वाला है। समझ में है कि नहीं? इसलिए जैसी विभूति आपकी है वैसी धर्म के उपदेश में और किसी की नहीं कही गई है। सो बात सच्ची है, जैसा प्रकाश और आभा सूर्य की होती है, क्या वैसी आभा तारागणों की हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा खुलासा करते हैं, बड़ा सुंदर खुलासा करते हैं। यहां दिया दूसरे पेज पे, जिस समय मानतुंग आचार्य पर उपसर्ग हुआ उसी समय उनको आदिनाथ भगवान की स्तुति करने का विकल्प उठा। अब प्रश्न ये आएगा, क्या उन्होंने ताले तोड़वाने के लिए भक्तांबर काव्य रचा था? हैं कि भक्तांबर काव्य रचने का उनका विकल्प, और ये ताले वाली घटना भी उस काल में घटी। वे ताले तोड़ने के लिए भक्तांबर नहीं रच रहे हैं, ये तो वीतरागता की महिमा दिखाने के लिए रच रहे हैं। उन्हें तो स्पष्ट ज्ञान था कि अगर ताले में बंद किया गया है तो पाप का उदय है, हैं? और जब पुण्य का उदय आएगा तो वो अपने आप ताले भी अपने आप टूट जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं? तो यहां लिखा, जिस प्रकार मानतुंग आचार्य पर उपसर्ग हुआ जिस समय, उसी समय उनको आदिनाथ भगवान की स्तुति करने का विकल्प उठा। तत्परिणाम स्वरूप भक्तामर स्तोत्र रचा गया। 48 ताले टूटने का काल भी वही था। शुभ राग या भक्ति करने से ताले टूट गए ऐसा नहीं है, ये भ्रांति मिटाने की बात है कि वे जो ताले टूटे हैं भक्ति से नहीं टूटे। वो 700 तुम्हारे से साथियों का और श्रीपाल का कोल मिटा था, वो गंधोदक छिड़कने से नहीं मिटा है। समझ में आया? तो काय से मिटा है भाई, देखो आया काय से था वो कोल, अशुभ कर्म के उदय से आया था। तो गया काय से होगा, शुभ कर्म के उदय से गया होगा। तो गंधोदक छिड़का था तब गया, कि गंधोदक छिड़कने से जाता तो अभी भी चला जाता जिन जिन का होगा। समझ में आया कि नहीं? तो पाप का उदय जब तक न जाए तो कौन गंधोदक को, गंधोदक से काया सुंदर बन सकती, कभी नहीं। फिर एक बात और है, काया में कोल आया था कि आत्मा में आया था? हैं? काया में आया। काया का कोल काया के जाने से चला जाएगा, लेकिन आत्मा का कोल तो अनंत भाव भटकाएगा। इसलिए कोल भी मिटाने की भावना हो तो किसका कोल मिटाए? आत्मा का कोल क्या है? ये जो उल्टी मान्यता है, जो गृहित मिथ्यात्व का सेवन है, ये आत्मा का कोल है। इससे आत्मा अनंत भाव धारण करके और जन्म मरण के दुख उठाता है। शरीर का कोल आत्मा को एक भी भाव बढ़ाता नहीं, एक भी भाव। वादिराज मुनि थे ना, कोल हो गया था पूरे शरीर में, तो लोगों ने कहा, अरे ऐसा कोल हो गया आपके लिए, आप कुछ इलाज हम जानते हैं, हम कर दें आपका। तुम क्या, हमारे हमारा कोड़ जो था वो तो हमने इलाज कर लिया, अब जो हमारे पड़ोसी के कोड़ को तुम हमारा कोड़ कह रहे हो, ये भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसके कोड़ से मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं। और बादीराज ने ये दिखा दिया तुरंत कि कोड़ मिटाने की बात करते हो, ये जरा सी धूल उठा करके अगर शिला पे फेंक दें तो वो स्वर्णमय बन जाए, शरीर पे डाल दें तो शरीर स्वर्ण जैसा चमकने लग जाए, ऐसी तो रिद्धि उन्हें प्राप्त थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे काम की, मेरे लिए तो मिथ्या तो राग द्वेष का कोल नहीं होना, इससे मेरा आत्मा दुर्गति का पात्र बनता है। तो यहां लिखा कि वे ताले टूट गए थे ऐसा नहीं, किंतु निमित्त को प्रधान करके कथन किया जाता है। अन्यथा जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वही पर्याय होती है, अन्य नहीं होती। नहीं तो अपन जो पढ़ते ना आलोचना पाठ, देखो विचार तो करो उसमें कितनी सच्चाई है।
कि जिनेंद्र भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता का कमल रचाया। ये गजब बात है। अब आप बताओ, जब कोई ने चीर खींचा द्रौपदी का, तो जिनेंद्र भगवान गए सो उनका चीर बढ़ा दिया। क्यों दिया? अच्छा, एक तो खींचने क्यों दिया, ये भी सही बात कह रहे हो। एक दूसरी बात ये कि बढ़ाया कहां से, लाए कपड़ा कहां से, उनके कपड़ा था कि नहीं था, हैं? बहुत बातें ऐसी हैं जो जो अज्ञानियों को तो मालूम नहीं, उल्टी जमी गई, निकलना बहुत मुश्किल है ऐसे में। जबकि असलियत ये थी कि यदि कोई ने चीर खींचा था तो पाप का उदय था। वीतराग का स्मरण करने में इतनी मग्न हो गई कि वो पाप का उदय संक्रमित हो गया, परिणामों की विशुद्धि में पुण्य का उदय आ गया, तो खींचने वाले तो थक गए और वो वस्त्र ऑटोमेटिक बढ़ गया। और देवों ने और अन्य किसी की पुण्य उदय के निमित्त से ऐसी सहज प्रक्रिया हुई, ऐसा नियम समझ में आएगा नहीं। ये पुण्य का उदय कहलाता है। बनारसी दास जी ने अपनी जीवनी में पुण्य के उदय की चर्चा की है। मालूम डॉक्टर साहब को मालूम है कि कोई, और डॉक्टर साहब जानते हैं कि अगर कोई टाइफाइड का रोगी हो डॉक्टर साहब, और अभी रोग पूरा हुआ 21 दिन पूरे हुए हैं, और अब उसको दाल का पानी देना है पथ, और वो पथ की जगह पे अगर पूरी खा जाए डॉक्टर साहब तो क्या होगा है? लेकिन बनारसी दास जी ने ऐसा किया। एक तो वे पूरी ताले में रखी थी, सो माता पिता जो कोई बाहर गए उन्होंने ताला खोला अलमारी का, और बीमारी से उठे और आधा किलो से ज्यादा पूरी खा गए, और लिखा उनने अपनी जीवनी में कि वे पूरी मुझे पथ कर गई, कुछ बुरा नहीं हुआ। अब बताइए तो काय का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। कोई पूरी उड़ी नहीं होती है ऐसी, वैसे तो पूरी तो नुकसानदायक ही है, समझ में आया कि नहीं, ग्रस्त ही। देखो फिर वापस चल रहे अपनी बात पे, ये तो हिंट रूप में देखो। अध्यात्म की शिक्षा में लौकिक शिक्षा तो सहज मिल जाएगी, लेकिन लौकिक शिक्षा का जरा भी प्रयोजन नहीं है, फिर भी तुम लौकिक में भी दक्ष हो जाओगे। तो अलौकिक लाभ लेने में लौकिक लाभ तो मिलने ही वाला है, खेती करने में भूसा तो पैदा होने ही वाला है। ये पुण्य का भूसा तो ज्ञानियों धर्मात्माओं को मिलता ही है, वे नहीं चाहते तो मिलता है। उनकी दृष्टि तो वीतराग की कहना चाहिए अनाज पर, वीतराग स्वभाव की दृष्टि ज्ञान और लीनता से केवल ज्ञान पूर्ण दशा को प्राप्त होता है। पहले विश्व कल्याण की भावना से जो शुभराग आता था, देखो जब तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी तो विश्व कल्याण करने की भावना थी, उत्कृष्ट राग था जगत के सर्व प्राणियों का कल्याण हो, ऐसे वो भावना के निमित्त से और वात्सल्य के निमित्त से और उनको तीर्थंकर प्रकृति उस काल में बंधी थी। लेकिन उससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, तीर्थंकर के पूर्ण पुण्य का पुण्य ना हो तो किसके होवे? पवित्रता प्रकट होने से पुण्य का उत्कृष्ट रस बढ़ जाता है, और आयु कर्म के अतिरिक्त अन्य पुण्य प्रकृतियों की स्थिति कम हो जाती है, शुद्धोपयोग से उनका रस बढ़ता है। हे नाथ, आपकी पवित्रता के साथ पुण्य भी पूर्णता की ओर बढ़ता है, पुण्य भी उत्कृष्ट बनता चला जाता है। ऐसा लोक में देखा गया है, जिनके घर में पैसा बढ़ता है और अगर वे उदार दिल हों, कंजूस ना हों, तो उनका हर चीज में परिवर्तन होता जाता है। पहले अगर पुराने कपड़े हों, पुराने तुम्हारे पलंग हों, सोफा सेट हों पुराने, तो वे सब बदल देते, नए लगा देते। क्यों? कि अब ताकत बढ़ गई है, पैसा बढ़ गया है, तो जो अंदर में अपनी शक्ति बढ़ती है, बाहर में भी उसकी व्यक्ति हुए बिना नहीं रहती। समझ में आया? तो जिनके अंदर आत्मा में धर्म की पवित्रता बढ़ती है, उनके बाहर पुण्य में भी पवित्रता न दिखाई दे ऐसा बनता, समझ में आया? इतनी बात। यहाँ कहते हैं तीर्थंकर के पुण्य में कमी या दोष बताकर समोसरण में उन पर उपसर्ग बताना, ये अरहंत दशा की उन्हें खबर नहीं, वे भगवान के स्वरूप को जानते नहीं। इस तरह ये इसमें वर्णन आया। अब आगे आता है अंतिम, एक 38 नंबर और ले रहे हैं। इसमें अब जिनेंद्र भगवान की भक्ति के निमित्त से होने वाले और भी जो आश्चर्य होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। च्योतन मदा बिल बिलोल कपोल मूला
ब्रह्मद्ब्रह्मरनाद विवृद कोपम् एरावता भूमिदमोदत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानाम्। आश्चर्य की बात है, यद्यपि ये पद अपन पढ़ते हैं, सज्जन पढ़ते हैं और याद भी होगा, लेकिन ये अंदर में भावों में कहाँ उतर पाता है। भावों में उतर जाए तो इसका तो आश्चर्य ऐसा होना चाहिए, इसकी महिमा ऐसी आ जाना चाहिए। क्या कहते हैं, इश्च्योतन माने झरता हुआ, मद मद माने होता है हाथी के मस्तक से मद झरता है, ऐसा नहीं? तो कहते इश्च्योतन मदाबिल, मद से झरते हुए जिनका वो गंड स्थल मलिन हो गया है और उस मद के झरने से उसमें से गंध निकलती, एक प्रकार का तेल जैसा उसके उससे निकलता है और वो मद कहलाता है और उसमें होती है विचित्र प्रकार की गंध। वो गंध के कारण जो भौंरे होते हैं वे हाथी के सिर पे मंडराने लगते हैं। तो मत माने उस गंध में कहना चाहिए नशे, गंध के नशे में चूर होकर भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, एकदम भौरे आकर उस पर मड़राने लगते हैं, खूब जोर से भौरों की आवाज होने से उसका क्रोध बढ़ जाता है। किसका? हाथी का क्रोध बढ़ जाता है। विवृद्ध कोपम और गुस्से में आ जाता है कि जी मेरे ऊपर मड़रा रहे, ऐसा कौन हाथी? एरावताधम, यानी एरावत जैसा हाथी, माने हाथी साधारण हाथी की चर्चा नहीं कर रहे, तुम्हारे यहाँ के जंगल के हाथी की बात नहीं कर रहे, ये एरावत हाथी कोई अलग ही जाति का हाथी होता है। ऐसा भी हाथी सामने आ रहा हो, उद्धतम आपतंतम, बिल्कुल आक्रमण करने के लिए आ रहा हो गुस्से में सामने अपने ऊपर, परंतु दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रतानाम। हे जिनेन्द्र भगवान, जिसने आपके वीतरागी स्वरूप को अपने हृदय में बसाया है वो ऐसे भयभीत करने वाले हाथी को भी देखकर भयभीत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण बताओ। इसलिए नहीं होता है, वो जानता है कि मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं भगवान दर्शन ज्ञानमयी आत्मा हूं और मेरे दर्शन ज्ञानमयी आत्मा को इस हाथी ने देखा तक नहीं है और उस पे आक्रमण हाथी नहीं कर सकता। उस पे आक्रमण तो मिथ्यात्व राग द्वेष ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। सो जब तक मेरे हृदय में भेद ज्ञान है तो मिथ्यात्व आक्रमण नहीं कर सकता और मेरे स्वरूप की रुचि है तो राग द्वेष भी आक्रमण नहीं कर सकते। अब ये हाथी आक्रमण कर ही रहा तो शरीर पे तो कर सकता है, वो भी कब? के पाप का उदय होगा तब, और पुण्य का उदय होगा तो शरीर पे भी आक्रमण नहीं कर पाएगा। मेरे पे तो आक्रमण करने की उसमें सामर्थ्य है ही नहीं, इसलिए मैं तो सुरक्षित ही हूं। बोलो, इसलिए निर्भय हो जाएगा। ये निर्भयता का कारण, भेद ज्ञान वर्तता है बेनिर्भय होते हैं, जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है वे कभी भी निर्भय नहीं होते। मान लो पेपर में आ जाए कि कल पड़ोस में छापा पड़ने वाला है, जरा विचार नजर, तो तुम्हें डर लगे कि नहीं? तब लगेगा डर के तुम्हारे पास कुछ गड़बड़ी होगी तो, और कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और पड़ोस में आएंगे छापे वाले, तुम्हें डर लगेगा? नहीं, इतने नजदीक आ गए। अरे नजदीक नहीं, हमारे घर में आ जाए तो भी डर की बात नहीं, क्योंकि जहां पवित्रता होती है वहां निडरता होती है, जहां पवित्रता नहीं होती है वहां निडरता होती ही नहीं। जगत में जितने भयभीत जीव हैं वे अपवित्र हैं इसलिए भयभीत। मुनिराज को डर नहीं लगे जंगल में, खो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हैं। अब बताइए उन्हें डर नहीं लगता? काय का डर, आत्मा को किसी ने देखा नहीं, उसे कोई क्षति पहुंचा सकता नहीं, आत्मा की क्षति तो उल्टी मान्यता से होती है, वो उन्हें नाश कर दी है, अब डर किसको? समझ में आया? ये अपन को जो डर नहीं लगत आई, अध्यात्म मार्ग अपनाने वालों को कभी एक बात से नहीं डरना चाहिए कि हमें दुनिया छोड़ देगी, नहीं तुम अध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए नपुंसक हो। क्या कह रहे? क्योंकि दुनिया छोड़ दे तो ही तुम्हारा अध्यात्म मार्ग निष्कंटक होगा। और ये और सुन लो, दुनिया छोड़ेगी नहीं,
तुम जंगल भी जाओगे तो तुम्हारे पीछे आएंगे, पुण्य को उदय ऐसा हो कि तुम जिसको छोड़ो वो तुम्हारे पीछे पड़े, ऐसा पुण्य का उदय होता है। और पाप का उदय आए तो तुम घर में रहो तो तुम्हारे बेटा जिनको जिंदगी भर तुमने किया है वे पूछत नहीं, जात का नहीं है, जल्दी कोई संन्यास आश्रम देख लो, उदासीन आश्रम उतर रहो, हम नहीं तुम्हारे लिए संभाल सके। बोलो, ऐसा होता है पुण्य पाप का खेल। इसलिए ज्ञानियों को जरा भी चिंता नहीं, वे ये भी जानते हैं कि बाहर में आपत्ति आएगी तो पाप के उदय में आएगी, और बाहर में अनुकूलता रहेगी तो पुण्य के उदय में रहेगी। और हमारे आत्मा का भला बुरा बाहर वालों से है ही नहीं, हमारी आत्मा में अगर सही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है तो उसका कोई बुरा कर सकता नहीं। अब डरना किससे, अपेक्षा रखना किससे, अब विचार ना जरा भाई, बहुत स्पष्ट बात, ये बात एक बार एकांत में बैठ के विचारना, जचे तो सोचना ना जचे तो बिल्कुल फेंक देना, भूल जाना। क्या कह रहे, जचे तो लेना, ना जचे तो ठीक है, ऐसा जैसा जिंदगी जा रही वैसी चली जाएगी। इसलिए ऐसे हाथी को भी सामने आते देख करके उसे भय पैदा नहीं होता। इन 48 काव्यों में मानतुंगाचार्य ने कहा कि हे भगवान, अनेक प्रकार के भयों को दूर करने में आप ही निमित्त हो, कुदेव निमित्त नहीं है। ये कह रहे, आप ही निमित्त हो, जो आपका आश्रय लेता है उसे किसी प्रकार के भय नहीं रहते। ऐसा कहकर आचार्य देव प्रसन्नता और निशंकता से भक्ति का उत्साह बढ़ाते। इस स्तोत्र में मुख्य रूप से अंतरंग गुणों का वर्णन है, जिसे आत्मज्ञान है, आत्मा के आनंद का आश्रय है, वो स्वभाव से ही निर्भय, उसे मदोन्मत्त हाथी का भय नहीं होता। मदोन्मत्त हाथी के मस्तक से मद झरता है, मद की गंध से भौरे गुंजार करते हैं, हाथी स्वयं भी मद से मलिन हो जाता है और उसे क्रोध आ जाता है। क्रोधित मदोन्मत्त हाथी जोर से हमला करे और जगत को कुचलता भी फिरे, तब भी हे नाथ, आपका भक्त उससे भयभीत नहीं होता। जिसने आपको पहचान कर निश्चय व्यवहार रूप भक्ति में मन लगाया है, उसके पूर्व पुण्य का उदय आवे या पाप का उदय आवे, उसे प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल संयोग भी आवे, तथापि वो तो चिदानंद स्वरूप को पाने के लिए उद्यत रहता है, तैयार रहता है, इसलिए उसे इस बात की जरा भी चिंता और भय नहीं होता। इस तरह इसमें एक काव्य में किस तरह निर्भयता होती है आपके भक्त को, ये चर्चा की है। अब आगे आएगा 39वां काव्य, जिसमें और भी इसी प्रकार के निर्भय होने की चर्चा की जाएगी और निर्भयता बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने अनुभव किया है कि अगर इनका भाव भाषण हो जाए, इन पद्यों का एक एक शब्द का अर्थ आप पढ़ जाओगे, तो भी जब पद्य पढ़ोगे, श्लोक पढ़ोगे, तो भी मजा नहीं आएगा। इसका अर्थ भी जानने के बाद मजा नहीं आएगा, मजा तब आएगा कि जो शब्द तुम बोल रहे हो वो शब्द का अर्थ भाव भाषण साथ साथ चले, तो ही मजा आएगा। यहाँ वो यहाँ आगे आ गया कि भिन्नेभ कुंभ, तो भिन्नेभ माने क्या होता है, भिन्न भिन्न जो कर दिया गया है, और इब माने होता है विदारण करना, कुंभ माने होता है गंड स्थल। तो इसे एक एक शब्द जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसा वैसा भाव वासन होता जाए, बहुत आनंद आएगा, और सही भाव वासन पूर्वक होगा, परिणाम में विशुद्धि होगी और विशेष पुण्य बंध होगा और भक्ति का सांचा फल प्राप्त होगा। तो विशेष चर्चा अगली बार 39वें काव्य की चलेगी।